We can start our sixth chapter in AVS. The chapter name is Our Clothes. In ancient times, men used to live in cave. He had nothing to cover his body with. Gradually, as his mind developed, he started using animal skins, leaves, bark of trees, etc. to cover his body. Then he learned the art of wearing and stitching. Today people wear many different kinds of clothes, but why do we need clothes? The बहुत पहले के टाइम में जो इंसान गुफाओं में रहते थे और वो अपने बॉडी को किसी चीज़ से कवर नहीं करते, बट धीरे 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 जैसे ही उनका माइंड डेवलप्ड हुआ, उन्होंने मतलब जानवरों की स्किन होती है, लीव्स होते हैं या पेड़ की जो छाल होती है उससे अपना बॉडी को कवर करना शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने पहनने का तरीका, स्टिच करने का तरीका सीखा और आज हम लोग बहुत सारे तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। बट हमें इसका क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है क्लोथ्स का? क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। वी नो द एयर अराउंड अस हैज़ मैनी टेनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लोथ्स, डस्ट पार्टिकल विल सेटल ऑन आवर बॉडी एंड मेक अस डर्टी। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। यू कैन सी दैट द बॉडी पार्ट्स विच इज कवर्ड बाय क्लोथ्स इज फेरियर देन द पार्ट विच इज़ नॉट कवर्ड बाय क्लोथ्स। मतलब कि इट मीन्स क्लोथ्स जो है वो हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। हम जानते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ है, उनमें बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवाओं में, और अगर हम लोग अपने आप को क्लोथ से कवर वेयर नहीं करते, क्लोथ से कवर नहीं करते खुद को, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे बॉडी के ऊपर सेटल हो जाएंगे और हमें डर्टी बनाएंगे। देन क्लोथ्स हमें हीट ऑफ सन, जो सूर्य का जो रोशनी है उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि जिस पार्ट को हम लोग कवर करते हैं क्लोथ से वो फेरियर होता है उसके मुकाबले जो पार्ट हम लोग बॉडी क्लोथ से नहीं करते हैं। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। वी वेयर वूलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म। स्पेशल क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। फॉर दिस वी वेयर वाटर प्रूफ रेन कोट्स एंड गम बूट्स मेड ऑफ रबर। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट। There are many tiny insects like mosquito etc. around us. If we cover our body properly with clothes, these insects cannot bite us. Clothes makes us look smart. Wearing nice clothes makes us feel good and comfortable. It means clothes जो होता है वो ठंड से भी बचाता है, और woolen clothes अगर हम लोग पहनते तो हमें गर्म रखता है। और कुछ special clothes होते हैं जो कि हमें लगातार बारिश से बचाते हैं, जैसे कि waterproof rain coats या gum boots जो कि रबड़ से बने होते हैं। क्लोथ्स हमें इंसेक्ट्स बाइट से भी बचाता है, जो कि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे कि मच्छर, मॉस्किटो हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनके बाइट से बचाता है जो हमारे आसपास रहते हैं। अगर हम प्रॉपरली क्लोथ्स से अपने आप को कवर रखेंगे तो हमें वो कुछ नहीं कर सकते। और क्लोथ्स हमें स्मार्ट दिखाते हैं, और क्लोथ्स पहनने से हम बहुत अच्छा फील करते हैं, कम्फर्टेबल फील करते हैं। मटेरियल फॉर क्लोथ्स। Clothes are made from fibers. Fibers are long and thin strand of different material. These fibers are made into clothes after various process. मतलब क्लोथ्स जो होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। फाइबर जो होते हैं बहुत लंबा पतला सा धागा होता है जो कि डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, और ये फाइबर जो होते हैं वो इसको क्लोथ्स में जो हम लोग इससे जो क्लोथ वो बहुत सारे प्रोसेस में, जैसे कि लाइक फाइबर, फिर फाइबर को ट्विस्ट करते हैं यार में, देन फिर यार्न इज वोल्ड और नाइलॉन टू मेक क्लोथ्स और फैब्रिक क्लोथ्स इज कट एंड स्टिच टू मेक क्लोथ्स और गारमेंट्स। वी गेट फाइबर फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल सोर्सेज। वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द आर्टिफिशियल फाइबर विच वी प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। हम लोगों को नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स का सोर्स रहता है। मतलब अगर हम लोग नेचुरल फाइबर प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं तो आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज में, जिनको कि सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। प्लांट्स फाइबर कॉटन। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द लाइट एंड फ्लफी कॉटन बॉल्स दैट ग्रो ऑन कॉटन प्लांट्स। कॉटन जो होता है, कॉटन फाइबर हम लोग कॉटन एक लाइट और फ्लफी कॉटन बॉल्स होते हैं जो कि कॉटन प्लांट्स में होता है, उससे हम लोग कॉटन कहते हैं। लियन। लियन फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टक ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। द स्टीम ऑफ फ्लेक्स प्लांट आर
allowed to rot. Then they are beaten to separate the long fiber. लियन जो होता है वो स्टाक होता है फ्लक्स प्लांट का, इसका जो स्टीम होता है ये रोट होता है, एंड देन इसको बीट किया जाता है सेपरेट करने, लॉन्ग फाइबर को अलग करने के लिए. क्लोथ्स मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स लाइक आर लाइट एंड कंफर्टेबल बट दे स्ट्रिक एंड अ लिटिल एंड रिकली इजली. मतलब क्लोथ्स जो होते हैं ना फाइबर प्लांट से जो मिलता है वो लाइट होता है कम्फर्टेबल होता है बट वो बहुत ईजली मतलब क्या होता है मुड़ जाते हैं, मतलब क्या होता है बिना आयरन के हम उसे नहीं पहन सकते हैं. एनिमल फाइबर वूल. सम एनिमल्स सच एज शीप गोट एंड रैबिट हैव थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस ऑन देयर स्किन. द फ्लीस इज कट ऑफ एंड शेयर्ड टू गेट फाइबर. वूल जो होता है ना मतलब सब कुछ जानवर होते हैं जैसे कि शीप गोट रैबिट, ये इनके ऊपर ना मतलब शरीर के ऊपर एक कोट सब होल उनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, वो जो होते हैं हेयर जो होते हैं उनको फ्लीस कहा जाता है. और फ्लीस को कट करके हम लोग उसको फाइबर में कट ऑफ करके फाइबर में चेंज करते हैं. सिल्क. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म. दिस वर्म फ्लीट ऑन मलबरी लीव्स. दे स्पिन इन सिल्की थ्रेड एंड रैप इट अराउंड देयर बॉडीज. दिस कवरिंग इज कॉल्ड ककून. सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द दिस ककून. क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल आर लाइट एंड वार्म. सिल्क क्लोथ्स आर वेरी स्मूथ एंड शाइनिंग विच मेक्स देम एक्सपेंसिव. सिल्क जो था वो सिल्क वर्म से जो कि मलबरी लीव्स में मिल होता है, और सिल्क जो था वो बहुत पतला धागा होता है जिसको सिल्क एंड वो जो रहते हैं सिल्क वर्म वो पतले से धागे अपने बॉडी पे अराउंड रैप कर देते हैं जिसको ककून कहा जाता है बाद में कवर करने, और उससे सिल्क मिलता है, ककून से ही सिल्क मिलता है. और सिल्क जो होता है बहुत हल्का मतलब कॉटन क्लोथ जो ऊल से बनता है वो लाइट और वार्म होता है, और सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं बहुत स्मूथ और शाइनी होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं. सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल. नायलॉन पॉलिस्टर टाइलोन एंड रेयन आर कॉमन सिंथेटिक फाइबर. क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. दे ड्राई ईजली डू नॉट श्रिंक एंड नीड वेरी लिटिल आयरनिंग बट दिस क्लोथ कैच फायर ईजली. नेवर वेयर देम वेयर ब्रशिंग फायर क्रैकर और वर्किंग इन द किचन. द सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में केमिकल यूज़ करके जैसे कि नायलॉन पॉलिस्टर टाइलोन या रेयन जो कि कॉमन सिंथेटिक फाइबर है. सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ्स बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलते हैं बट और सूखते भी रहते हैं, तो ये ना तो जल्दी मुड़ते हैं और इनको थोड़े से आयरन का जरूरत, ज़्यादा आयरनिंग भी नहीं करना बट ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है इन्हें. और इसको कभी भी पटाखे जलाते रहें किचन में काम करते कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए. क्लोथ वी वेयर. पीपल वेयर मैनी काइंड्स ऑफ क्लोथ. देयर आर मैनी रीज़न फॉर वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ. क्लाइमेट प्रोफेशन ट्रेडिशन कल्चर एक्सेट्रा आर सम ऑफ देम क्लोथ्स डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. तो पीपल जो थे ना बहुत तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, वो बहुत सारे रीजन्स होते हैं बहुत तरीके के क्लोथ्स होते हैं, कहीं क्लाइमेट की वजह से प्रोफेशन या ट्रेडिशन या कल्चर की वजह से कुछ जो क्लोथ होते हैं इसी में से क्लोथ डिफरेंट टाइम्स में डे के टाइम में पहना जाता है. यू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एवरी डे यू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स. आप अगर बहुत सारे वर्क करते हो रोज तो आप बहुत सारे क्लोथ पहनते. इन द मॉर्निंग यू वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल. मतलब सुबह आप पहनते हो स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल जाने के लिए. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल यू वेयर लूज एंड कम्फर्टेबल. अगर घर स्कूल से घर आने के बाद आप एक लूज और कम्फर्टेबल ड्रेस पहनते हो. वेन यू गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग यू वेयर और स्पोर्ट ड्रेस एंड शूज. और शाम को जब आप खेलने जाते हो तो आप स्पोर्ट्स वेयर स्पोर्ट्स ड्रेस और शूज पहनते हो. वैन यू गो टू अ पार्टी यू वेयर कलरफुल ड्रेस. जब आप पार्टी में जाते हो कलरफुल क्लोथ्स पहनते हो. एट नाइट यू वेयर अ नाइट ड्रेस टू गो टू स्लीप. और नाइट को आप सोने के लिए नाइट ड्रेस पहनते हो. क्लोथ्स एंड वेदर. वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर. कॉटन क्लोथ्स अलाउ द हीट ऑफ आवर बॉडी टू स्पेस. दे ऑल्सो ऑब्जर्व स्वेट ईजली. लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन समर एज दे रिफ्लेक्ट हीट और कीप आवर बॉडी कूल. इन विंटर वी वेयर डार्क एंड थिक वूलन क्लोथ. दे डू नॉट लेट आवर बॉडी हीट स्पेस.
so they make us feel warm and dry. Dark colored clothes are preferred in winter as they absorb heat and keep us warm. मतलब कि कॉटन समर में हम लोग बहुत लाइट और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, और कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारे बॉडी को हीट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, एंड जो भी पसीना होता है हमारा वो इजली ने अब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड लाइट कलर का क्लोथ समर में प्रेफर किया जाता है जिससे कि हीट और हीट रिफ्लेक्ट करें एंड हमारा बॉडी कूल रहे. एंड समर में हम लोग डार्क वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, मोटा और वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में हीट रहता है और ये हमें वार्म और ड्राई फील होता है इससे हमें. और डार्क क्लोथ इसलिए क्योंकि विंटर में हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए, हमें गर्म रखने के लिए. इन द रेनी सीजन वी द वेदर इज ह्यूमिड विच मेक्स अ स्वेट, सो वी प्रेफर कॉटन क्लोथ एज दे एब्जॉर्ब स्वेट. वी ऑल्सो वेयर रेनकोट ओवर द आवर क्लोथ्स. दे आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट. और रेनी सीजन में जो ह्यूमिड वेदर रहता है जिससे कि हम लोग को पसीना भी आता है जिसमें, तो हम लोग लाइट कॉटन क्लोथ वेयर करते हैं जिससे कि पसीना ईजिली सूख जाए, हम लोग कूल फील करें. एंड फिर उसके ऊपर से रेनकोट पहनते हैं जो कि सिंथेटिक मटेरियल से बना रहता है जिससे कि हमें भीगने से वो प्रोटेक्ट करते. क्लोथ्स एंड प्रोफेशन. मैनी पीपल्स ड्रेस अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई देम इजली. बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जिनका जॉब जो होता है ना, क्लोथ्स जो होता है ना, जॉब के अकॉर्डिंग होता है जो कि हमें पहचाने में हेल्प करते हैं. लाइक डॉक्टर, पोस्टमैन, पुलिस, स्टूडेंट, नर्स और सोल्जर एक्सेट्रा. देन क्लोथ्स एंड ट्रेडिशन. इंडिया इज़ वेरी लार्ज कंट्री. द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिफर ग्रेटली. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन. मतलब कि इंडिया जो बहुत बड़ा कंट्री है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, बहुत अलग अलग प्रदेश हैं, क्षेत्र है, और बहुत अलग है एक दूसरे से. उनके जो डिफरेंट जो रीजन में जो पीपल रहते हैं उनके कल्चर ट्रेडिशन सब अलग हैं. वो दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ. पीपल इन ईच रीजन हैव पर्टिकुलर क्लोथ्स विच दे वेयर ट्रेडिशनली. जस्ट बाय लुकिंग एट देयर ड्रेस वी कैन टेल देयर नेटिव रीजन. बहुत सारे टाइप्स के ड्रेस पहनते हैं पीपल, और मतलब जिस रीज़न है पर्टिकुलर एक ड्रेस होता है वो ट्रेडिशनली वो चीज़ पहनते हैं जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं वो कहाँ से. जैसे कि लाइक ये देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं. सम ऑफ दिस क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेस. वी कैन आइडेंटिफाई द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन बाय हिज हर नेशनल ड्रेस. अब कुछ जो होते हैं ना ड्रेस, वो नेशनल ड्रेस भी होते हैं जिससे हम लोग उसकी नेशनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके नेशनल ड्रेस. लाइक उसका भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो. स्पेशल क्लोथ्स. सम क्लोथ्स आर मेड फॉर सर्टन पीपल हु परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. कुछ क्लोथ जो होते हैं ना वो कुछ पीपल के लिए होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं. लाइक स्पेस सूट कीप्स एन एस्ट्रोनॉट वार्म इन द कोल्ड स्पेस. इट हैज़ मेनी डिवाइसेस फिटेड इन इट. दे इनेबल द एस्ट्रोनॉट टू ब्रीद एंड कम्युनिकेट विथ अदर्स. एक स्पेस सूट जो था एस्ट्रोनॉट को वार्म लगता है कोल्ड प्लेसेस में, और इसमें बहुत सारे डिवाइसेस फिट रहते हैं जो कि एस्ट्रोनॉट को किस दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए या ब्रीथ लेने के लिए हेल्प करता है. डीप सी ड्राइवर वेयर वाटर प्रूफ सूट्स. दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन टू ब्रीथ एंड वेयर फ्लिपर विच हेल्प देम तो उसमें मिल. डीप सी ड्राइवर जो मतलब जो कि समुद्रों के जो में जाते हैं सी ड्राइवर, वो वाटर प्रूफ सूट पहनते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं और साथ में फ्लिपर. ऑक्सीजन सिलेंडर सांस लेगा और फ्लिपर इसलिए पहनते ताकि ईजिली वो स्विम कर सके. इन ओल्डन डेज वॉरियर मोर आर्मर्स मेड ऑफ स्टील प्लेट्स एंड चेन. दीज डेज बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बुलेट. पुराने ज़माने में जो वॉरियर्स मतलब योद्धा जो होते थे उनका जो ड्रेस होता था वो स्टील प्लेट्स और चेन्स से बना रहता था, बट अभी के टाइम में बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं उनके बुलेट्स को प्रोटेक्शन के, बुलेट से प्रोटेक्शन के लिए. केयर ऑफ क्लोथ्स. वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स. डर्टी क्लोथ्स स्मेल बैड एंड काउ स्किन डिजीज. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमें हमेशा मतलब साफ़ और सूखे कपड़े पहनने चाहिए, और जिससे और गंदे कपड़े पहनने से
बहुत बैड स्मेल होता है और साथ ही स्किन में बहुत सारे डिजीज होते हैं। हमें अपने प्रॉपर केयर करना चाहिए क्लोथ्स का और अपने से उनको गुड कंडीशन में, ताकि वो गुड कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक रहें। वॉशिंग क्लोथ गेट डर्टी विद डस्ट स्वेट एंड स्टेंस, वॉशिंग देम विद सोप डिटर्जेंट एंड वाटर मेक देम क्लीन अगेन। सोप एंड डिटर्जेंट डिजॉल्व द डर्ट इन आवर क्लोथ्स आफ्टर अप्लाइंग सोप। क्लोथ शुड बी ड्राई प्रॉपरली विथ क्लीन वाटर सो दैट नो सोप इज लेफ्ट इन दैम। वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स आर वेरी डेलिकेट, दे शुड एदर बी वॉश्ड विथ अ जेंटल सोप सॉल्यूशन और बी ड्राई क्लीन। इन ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स आर वॉश्ड विथ पेट्रोल एंड अदर केमिकल इन प्लेस ऑफ वाटर। मतलब वॉशिंग वॉश क्लोथ, जब जो कि क्लोथ जो होते हैं उनमें डर्ट गंदा हो जाता है, उनमें डस्ट लग जाता है या फिर पसीने से या स्टे दाग से, तो उनको क्लोथ डिटर्जेंट और सोप डिटर्जेंट और वाटर से साफ करना चाहिए। सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, वो हमारे जो क्लोथ्स में जो डर्ट होता है उनको हटाते हैं एंड सोप को अप्लाई करने के बाद क्लोथ्स को जब पानी क्लीन वाटर में धोते हैं तो आराम से उसमें से सोप भी निकलेगा। उलन क्लोथ और सिल्क क्लोथ जो होता है वो बहुत बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको उनको एक जेंटल सोप सॉल्यूशन से या फिर ड्राई क्लीनिंग करवाना चाहिए, जेंटल सोप सॉल्यूशन से ही वॉश करना चाहिए। और ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है ना, सोप को वॉश किया पेट्रोल और अदर केमिकल से, पानी की जगह पेट्रोल और अदर केमिकल से उनको वॉश किया जाता है। ड्राइंग क्लैश क्लोथ्स मस्ट बी ड्राइड इन द सन, सन रेज किल द जर्म्स एंड मेक देम जर्म फ्री, बट कलर्ड क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन शेड एज द सन मे फेड देयर कलर। वुलन शुड नॉट बी स्ट्रेच वाइल ड्राइंग, ड्राइंग जो होता है वो क्लोथ्स को सन सूर्य की रोशनी में कपड़े को सुखाया जाता है। सूर्य की रोशनी से क्या होता है ना कि क्लोथ जो होता है वो जर्म फ्री हो जाते हैं, बट कलर्ड क्लोथ जो होते हैं उनको अगर सूर्य की रोशनी में छिपाया सुखाया जाए तो उनसे जो कलर जो होता है उनको कलर को जाने का खतरा रहता है, तो इसलिए उनको सूखे मतलब छाँव में ही सुखाया जाता है। आयरनिंग आफ्टर ड्राइंग क्लोथ स्पेशली द कॉटन वंस शुड बी आयरन प्रॉपरली, आयरनिंग रिमूव रिंकल एंड गिव देम अ साइन। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू सेट द आयरन एट प्रॉपर टेम्परेचर टू आयरन क्लोथ्स, अदरवाइज वी मे बर्न आवर क्लोथ। और ड्राइंग के बाद स्पेशली कॉटन क्लोथ्स को आयरन करने से प्रॉपरली, आयरन करने से जो भी रिंकल या फिर जो भी वो मतलब मुड़ा हुआ जो भी होता है दाग, उससे बहुत एक अलग से साइन आता है आयरन करने के बाद। और उसके बाद हमें हमेशा याद कर आयरन का जो टेम्परेचर है प्रॉपर रहना चाहिए क्लोथ्स को आयरन करते हुए, नहीं तो हम अपने क्लोथ्स को खुद ही जला लेंगे। स्टोरिंग फाइनली ऑल क्लोथ्स शुड बी किप्ड नीटली इन अ कबर्ड, द क्लोथ्स ऑफ डेली यूज शुड बी हैंग एंड हैंगर्स ऑन हैंगर्स, क्लोथ्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम शुड बी स्टोर्ड विथ एक्स्ट्रा केयर। फाइनली क्लोथ्स को फिर हम लोग कबर्ड में केयर साफ सफाई से रख देते हैं, और जो कि डेली यूज़ के जो क्लोथ्स होते हैं उनको हम लोग हैंग करते हैं हैंगर्स टांग होते हैं, और जो क्लोथ्स हम लोग डेली नहीं यूज़ करते हैं कभी कभी यूज़ करते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर के साथ मतलब अच्छे से रखना चाहिए। इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स एंड सिल्वर फिश डैमेज क्लोथ्स, वी शुड कीप माउथ बॉल्स, नेपथिलीन बॉल्स और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड ऑफ क्लोथ्स, दिस विल प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग इन एंड डैमेजिंग क्लोथ्स। वी शुड मेंटेन क्लोथ बाय स्टिचिंग और ड्राइंग देम इमीडिएटली सो दैट द टेयर डज नॉट गेट बिगर। द इंसेक्ट्स जो होते हैं ना लाइक मॉथ्स एंड सिस्टर सिल्वर फिश, वो क्लोथ्स को डैमेज कर देते हैं, इसलिए हमें माउथ बॉल्स या फिर नेपथिन बॉल्स या फिर ड्राई नीम लीव्स जब कपड़े को फोल्ड करते हैं उस टाइम रखना चाहिए उसके बीच में। ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स को दूर रखता है क्लोथ्स को डैमेज होने के बजाय, और अगर क्लोथ्स कोई डैमेज होता है तो उसको जल्दी से स्टिचिंग या ड्रेनिंग करना चाहिए, जिससे कि वो जो जो फटा हुआ रहता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू।